सैयदों के हवाले से आपका एक अलग ही अंदाज है। जैसे मुझे याद है जब हम छोटे थे तो फैजान मदीना का इफ्तिताह करना हो या किसी मस्जिद का संगे बुनियाद हो तो आप वहाँ सैयदों को करीब बुलाते थे। जब सालाना इज्तिमा में दुआ का मामला हो तो आप, हालांकि बाज़ूकात सिक्योरिटी इशूज़ भी होते थे, लेकिन आपकी तरफ से ऐलान होता था कि जो सैयद साहिबान और उलमा है वो आगे आ जाए। तो ये खास सैयदों के साथ ताल्लुक, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। जिससे मोहब्बत होती है उसके औलाद से मोहब्बत तो होती है ना, उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत होती है। तो सैयद का एक इमेज बना हुआ है मेरे जहन में, ये बेटा किसका है। नहीं, मैं ये पसंद नहीं करता जैसे कि ये कहूं कि जैसे कि कोई नुकसान पहुंचा दिया किसी ने, तो फुला सैयद ने नुकसान पहुंचा दिया, मैं ये फिर मुझे मतलब वो नहीं जमता नहीं है। या कोई बुराई की निस्बत हो तो वो सैयद कहकर बुराई की निस्बत करना, यार वो फुला सैयद सो एंड सो मेरे पैसे वगैरह, मेरे को मतलब जमता नहीं है। एक बार अय्याज के बेटे को महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, ए अय्याज के बेटे, तो वो रंजीदा हो गया अय्याज का बेटा और अपने वालिद साहब से जाके बात भी की कि मुझे यूं कहा, वैसे तो मेरा नाम बड़ा मतलब एहतराम से लेते थे, मतलब बड़ा वो अच्छी तरह बुलाते थे ये, तो महमूद गजनवी ने की बारगाह में हाजिर हुआ अय्याज गुलाम तेरन के, कह बेटे को माफ कर दे, कोई खता हो गई है, ये ऐसा ऐसा हुआ। तो महमूद गजनवी ने बोला कि बात ये नहीं है, खता इनकी नहीं थी, मैंने जब भी तुम्हारे बेटे का नाम लिया ना, तुम्हारे बेटे का नाम चूंकि अहमद है तो कभी बेवजू मैंने तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया, तो यूं मैं एहतराम से उसको बुलाता था। और जिस वक्त मैंने ए अय्याज के बेटे ये कहा ना, ए इब्ने अय्याज, उस वक्त मेरा वजू नहीं था। तो ये इश्क के रंग जो है ना, ये जुदा जुदा है, अपना अपना अंदाज है। तो इसलिए वो बस वो निस्बत है लफ्ज अहमद को, तो इसलिए वो बेवजू नाम नहीं लेते थे, हालांकि जायज है बेवजू नाम लेना, तो उनका इश्क था। तो ये हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो सैयदों के ताल्लुक से बस एक दिल में एक डर खौफ सा है कि यार ये अपने को ना बुला हुआ, इनके इनके वालिद मोहतरम अगर नाराज हो गए, कुछ दिल में ले लिया हमारे ताल्लुक से कि इसने मेरे बेटे को यूं बोला, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सरकार करीम है, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन ये कि हमको हमारा जो है ना इश्क, ये हमको ऐसा करने नहीं देता। हम सबको ऐसा करना चाहिए, सैयदों का अदब, और सैयदों को भी चाहिए कि वो ऐसा अपना किरदार बनाए कि कोई क्यों कहे कि फुलां सैयद है, शायर कहे क्यों कि जबान ना कट जाए उसकी, कि सैयद कहकर उसको बुरा बोल रहा है। तो ये दोनों तरफ से मैं, चूंकि वो सादात किराम, इनको भी नेकी की दावत तो देनी है ना, इनके नाना जान की सुन्नतें तो हम बताते हैं, तो इसलिए इनको भी ऐसा रहना चाहिए कि कोई सैयद कहकर बोले नहीं कुछ सैयदों को, वरना लोग तो बोलते हैं अरे आजकल के सैयद ऐसे यार, ये सब बोलते हैं, देखे देखे यार सैयद, नऊज़ु बिल्ला, बहुत बड़ी बेबाकी है। आजकल बोले सोवा रिश्ता है सैयद का, हजारवां रिश्ता है, लेकिन है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा। आला हजरत से सीखा हमने सैयदों का अदब। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक जो बच्चे कयामत तक जो होते रहेंगे, ये सबको आला हज़रत ने नूर बच्चा बच्चा नूर का करार दिया है। तो कितनी दूरी हो लेकिन बहरहाल निस्बत तो बाकी है। तो अल्लाह पाक बस हमको आशिक रसूल बना दे, जब आशिक रसूल बन जाएंगे तो निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत होगी।